अब हम लोग निकल गए हैं उस जगह से नीचे की तरफ, ठीक है, मतलब पहले हम जबड़ा के मकान से नीचे की तरफ आए, उस गाड़ी में मैंने आपको दिखाया गाड़ी बैठने और सब चीज़ों का वो। अब रास्ता चूंकि बिल्कुल यूँ था तो वो मैं आपको प्रॉपरली जो है ना, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि सामान को मैं हैंडल करना और वो चीज़ भी शूट करना और मूसा साहब भी मेरे पास। तो अब जो है हम जा रहे हैं यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ से सफ़र थोड़ा हमारा लंबा है, ड्राइविंग थोड़ी लंबी है, तो अख्तर भाई लगे हुए हैं ड्राइव करने में और ये आगे हैं ये अपने अंपाल के साथ जो है वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन बालाकोट है। बालाकोट से होते हुए हम मज़ीद जगहों को एक्सप्लोर करेंगे और जो है वो बाकी जितनी भी रास्ते हैं वो मैं आपको बता दी जाऊँगी। अब हम वापस जो है बालाकोट की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में हर जगह का मैं आपको बता दूँ। भाई यहाँ पर जो है वो हम लोग आए हैं, जिसे कहते हैं ना, अभी ये पूरा रास्ता हम कवर करके आ रहे हैं मुजफ्फराबाद से। ये देखिए ये रास्ता है, ये लोग मुझे आते लाते जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से देख रहे हैं अभी पूरे जो पहाड़ है ये सब ग्रीनरी, ये सब चीज़ें हम कवर करते हुए आ रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। टूरिस्ट रेस्ट प्लेस है मुख्तलिफ जगहों पे। अच्छा, एक पीछे वाटरफॉल मैंने छोड़ दिया था लेकिन ये वाटरफॉल ज़्यादा बड़ा लग रहा था तो यानी यहाँ पे रुक पाई गाड़ी और यहाँ हम कवर करने आए हैं। ठीक है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। करीब से देखते हैं, करीब से ये देखें, ये करीब जगह बनी हुई है फोटोग्राफी के लिए। यहाँ से और भी प्यारा लग रहा है। ये देखें यहाँ पे भाई, यहाँ पर जो है वो बड़ा ही अच्छा लग रहा है मुझे तो। लेकिन मूसा और बहजाद नीचे हैं और हमें कहा गया है, हमें तो मैंने कहा है कि आगे बहुत सारे और भी वाटरफॉल्स हैं। तो अभी हम, मैं ये थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा था और मज़े का लग रहा था तो मैं ये दिखाने के लिए यहाँ पे रुक गई और यहाँ पे बेहतर है सिचुएशन तो मैं क्लासेस डाल रही हूँ। ठीक है, चले मैं दिखाने के लिए रुक गई थी और मैंने दिखाया आपको कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए लोग कितना इंजॉय कर रहे हैं, फैमिली आई है पूरी। ठीक है, ये देखिए आप, बहुत इसकी छींटे जो हैं वो बहुत प्यार से यहाँ आने तक आ रही हैं तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैंने थोड़े शॉर्ट्स दिखा दिए आपको, यहाँ पे अम्ब्रेला है और यहाँ पे फोटोग्राफर्स भी हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे बताएं आप लोग यहाँ पे तस्वीरें खींच के। जी भाई, मोबाइल में कर देते हैं, कभी भी। अच्छा, मोबाइल में भेज देते हैं वाईफाई से। और कितने चार्जेस लेते हैं? 30 रुपीज पर टिकट। अच्छा, एक तस्वीर के 30 रुपए लेते हैं। बहुत भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। तो अगर आपके पास कैमरा नहीं है ना तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर जो है ये देखिए, यहाँ पे जो ये तीन बच्चे बैठे हुए हैं ये यहाँ पे तस्वीर खींच के भी देते हैं और सिर्फ 30 रुपए लेते हैं। आपको सॉफ्ट कॉपी दे देंगे तो आप अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे और मुख्तलिफ उस पर तो वैसे भी आप लगा ही सकते हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये प्यारी सी जगह मैंने आपको दिखा दी, एक सॉफ्ट ग्लिम्स दिखा दिया और अब मैं वापस जा रही हूँ नीचे। ठीक है, चलें यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं अगला वाटरफॉल कहाँ है। तो वाटरफॉल देखते हुए हमें पहुँचना है अपने डेस्टिनेशन की तरफ। ठीक है, चलें। ये देखें आबशार के पानी से एक बंदा गाड़ी धो रहा है बेहतरीन अंदाज में। फ्री फ्री फ्री, ये है कार सर्विस स्टेशन। फ्री 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 और पीछे एक ग्रुप भी आ रहा है। ये देखिए मेरा बेटा सो रहा है।
ये चोलिस्तान से है। अरे हाँ, उन्होंने बताया किला दरावट के। हाँ, दरावट चोलिस्तान बहावलपुर सरहद की सारी जबान है। माशाल्लाह, हम गए थे 2 साल पहले। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत इलाका है भाई आपका। चोलिस्तान वैसे भी खूबसूरत बहुत, और बहुत ही रंगीन और बड़ा, क्या मौसीकी, क्या आपके यहाँ का कल्चर है। सब तो ज्यादा सारे चोलिस्तान दे गुलकार रहे। बिल्कुल 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 ऐसे ही। चोलिस्तान की जबान बहुत मीठी है, साथ में इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो कश्मीर आया, मेरे को उर्दू नहीं बोले नहीं दी। मैं जिन नाल गाल करे ना सराकेत करे कहीं के सामने लगे। देखिए, जबान अपनी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है ये। बिल्कुल, जबान अपनी होनी चाहिए। ठीक है बाजी, बहुत शुक्रिया बाजी। आओ आइसक्रीम खाओ। अरे नहीं भाई, बस अब जो है निकलेंगे यहाँ से। आपका नाम क्या भाई जी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजी गुल खान। हाजी गुल खान जी, हाजी गुल खान। भाई ये हमारे हाजी गुल खान भाई जो है, ये हमें यहाँ मिले। ये हमारे चोलिस्तान से आए हुए भाई हैं, यहाँ पे आइसक्रीम बेच रहे हैं। लेकिन देखें ये कितनी मजे की बात है कि इन्होंने अपनी जबान को ना यहाँ पे कायम रखा हुआ है, जिंदा रखा हुआ है। उन्होंने कहा भाई मुझे यहाँ पे लोग जो भी बात करें, जिस जबान में भी करें, मैं जवाब उनको अपनी जबान में देता हूँ। तो भाई जबान का बड़ा मल्ला खाला, जबान अपनी कायम रखे। बहुत शुक्रिया भाई। चले आई साहब। और हमें तो बड़ा मज़ा आया। अब हम जा रहे हैं बैठने गाड़ी में। ठीक है,